अच्छा, तो ये लास्ट हमने जो स्टार्ट किया था बॉन्डिंग, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। उसके बाद नॉन पोलर कोवेलेंट कौन से हैं, इसमें हमने कहा था कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा तो नॉन पोलर कहलाएगा। और जितने भी होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, दीज आर ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर जो है ये प्योर कोवेलेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान है लाइक हाइड्रोजन एंड सीएल, तो सीएल बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो सीएल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस किस्म के जो कंपाउंड हैं ये क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स विद आयोनिक करेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं बट विद आयोनिक करेक्टर। एंड जितने भी हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे आर पोलर इन नेचर, ये पोलर इन नेचर, ठीक है, इन पे पोलैरिटी होती है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जी कोवेलेंट कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, या तो पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा हम जरा डिस्कस करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके फैक्टर्स जो है ये बड़े सिंपल से हैं, क्योंकि ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब सेम वही फैक्टर्स जो आपने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़े थे। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा रहे थे, या आप कहने के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन खत्म कर रहे थे। आयनाइजेशन क्या थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का जो कनेक्शन था वो ब्रेक कर रहे थे। ये क्या है, एनर्जी चेंज विच अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय बाय द न्यूक्लियस, द एबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। तो ये भी अट्रैक्शन ही है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन। तो फैक्टर सेम ही होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? नहीं सर, मुझे नहीं आ रही। भाई देखिए ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आपके पास न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल था, और ये सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है सपोज। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना होगा, न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन ब्रेक करना होगा, ऐसा ही है, जी सर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है, आप उसे ब्रेक कर रहे हैं इसमें आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। क्लियर है ये बात? जी सर। अब ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम जो है, लेट सपोज ये एक एटम है, ठीक है, और इसमें दूसरा एटम है, ये दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम कह रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेयर करेगा, ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अट्रैक्शन कौन सी है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ही अट्रैक्शन है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप ये अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे ये अट्रैक्शन आप ब्रेक कर रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है, ठीक जी सर, है, तो फैक्टर्स दोनों के सेम ही होंगे। अच्छा, यहां से हम एक तरह से आप कह लें कि चले हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन के ऊपर बाद में बात करते हैं, बट ये मतलब ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो फैक्टर्स हैं वो सेम फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के थे, ठीक है। तो द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सिमिलर टू आयनाइजेशन एनर्जी, सेम फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला फैक्टर क्या होगा बताएं, सर न्यूक्लियर एटॉमिक चार्ज। नंबर, हाँ जी, न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कह दें या एटॉमिक नंबर कह दें, तो क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन? डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
increases the attraction of nucleus for shared pair also increases. जितने ज्यादा protons होंगे electrons को अपनी तरफ attract करना उतना easy होगा. As number of protons increases, the attraction of nucleus for shared pairs also increases. तो जिस atom के पास जितने ज्यादा proton होंगे वो shared pair को अपनी तरफ ज्यादा attract करेगा. That means के nuclear charge is directly proportional to electronegativity. ठीक है, बड़ा simple सा factor है. उसके बाद दूसरा factor क्या होगा? हाँ जी, सेकंड फैक्टर. एटॉमिक रेडियस. जी बेटा, एटॉमिक रेडियस. ठीक है जी, एटॉमिक रेडियस जो है इसका रिलेशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, एटॉमिक रेडियस जितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस भी बढ़ेगा. तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस. और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मतलब कि डिस्टेंस बढ़ेगा. एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड valence electron or shared electrons and shared electrons increases, therefore electronegativity decreases. So that means atomic radius is inversely proportional to electronegativity. Jitna zyada atomic radius hoga, tendency to attract the shared pair of electron utni hi kam hoti jayegi. Aur teesra factor kya hoga? थर्ड फैक्टर शील्डिंग. शील्डिंग इफेक्ट. और शील्डिंग का दूसरा नाम क्या था? स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है जी, शील्डिंग इफेक्ट कह दें या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दें. हाँ जी, तो शील्डिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इनर शेल्स जितने ज्यादा होंगे तो रिपल्शन फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे. ठीक है, सपोज आपके पास ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है. ठीक है, और ये लेट सपोज ये दो एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं, फिर ये इसका एक इनर शेल, फिर दूसरा इनर शेल, फिर तीसरा इनर शेल, एंड देन फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस है. ऐसी इसका इनर शेल, इनर शेल, इनर शेल, और फिर न्यूक्लियस है. तो अब ये जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कॉज रिपल्शन. ये रिपल्शन कॉज करेंगे. ठीक है, इनके दरमियान क्या होगी? रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी, जितने ज्यादा इनर शेल्स होंगे, रिपल्शन बढ़ेगी. तो सिंपल हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इज आल्सो, शील्डिंग और नंबर ऑफ इनर शेल्स. हाँ जी, तो नंबर ऑफ इनर शेल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. या जितनी शील्डिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती जाएगी. तो ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मतलब ये तो फैक्टर्स की बात हो गई, अब आ जाते हैं जरा ट्रेंड पे. ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एंड अक्रॉस द पीरियड. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है जी, अगर हमें प्रेडिक्ट करना हो कि एलिमेंट की ईएन वैल्यू ज्यादा है, किसकी ईएन वैल्यू कम है, तो सिंपल हम पीरियोडिक टेबल में इसको देखते हैं. ठीक है जी. जी बेटा, तो अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी डाउन द ग्रुप? जी, कम होगी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यानी पहला ट्रेंड हमारे पास क्या आ जाता है? डाउन द ग्रुप. हाँ जी, किसी भी ग्रुप में, चाहे वो आप ग्रुप वन में हो, ग्रुप टू में हो, ग्रुप सेवन में हो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. तो ट्रेंड क्या है?
इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब फैक्टर्स भी और ट्रेंड्स तकरीबन सेम है, कोई फर्क नहीं है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और उसका रीजन क्या है? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, और शील्डिंग क्या बढ़, इफेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग बढ़ रही है, ठीक है, ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग, मतलब आप कह लें कि ये दोनों प्राइमरी फैक्टर्स बन जाते हैं, दे वुड कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू वर्ड्स इटसेल्फ, तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, शील्डिंग ऑल्सो इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इनर शेल्स, ड्यू टू विच दी अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, ऑल्दो एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज वेल, बट इट्स इंपैक्ट इज कैंसल्ड आउट बाय अदर फैक्टर्स, ठीक है, जो बाकी दोनों फैक्टर्स हैं वो इसको कैंसल आउट कर देते हैं। हाँ जी, क्लियर है बेटा यहां तक बात? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड ट्रेंड क्या आ जाएगा अक्रॉस द पीरियड? हाँ जी, अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइटली कम होता है, वो हमने पढ़ा था पहले भी, और शील्डिंग तो सेम है, ठीक है, तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम सिंपल ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 3, 4, 5, 6 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग रिमेन्स सेम, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है कि ई एन वैल्यूज इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप कम होगी, अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगी, ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखिएगा, देयर इज नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो ट्रेंड है सिंपल हमने उसको फॉलो करना है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं, जरा ये देखें, हमने ट्रेंड तो डिस्कस कर लिया, अब मुझे ये बताएं कि विच ऑफ द एलिमेंट वुड हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी ई एन वैल्यू सबसे ज्यादा होती है? अच्छा, ई एन वैल्यूज में हम ग्रुप 8 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, इनको कंसिडर नहीं करते क्योंकि मोस्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड मेकिंग, ठीक है, ऑल्दो सम ऑफ देम डू मेक बॉन्ड्स, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड मेकिंग, तो ग्रुप 8 को आपने यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स वुड बी कंसिडर्ड फॉर ई एन वैल्यूज। हाँ जी, तो विच ऑफ द एलिमेंट वुड हैव दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी? फ्लोरीन, किसकी? फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाँ जी, किसकी फ्लोरीन होगा, किसकी ई एन वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? बिल्कुल ठीक है बेटा, फ्लोरीन आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि डाउन द ग्रुप कम हो रही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस, ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी ग्रुप का जो सबसे पहला एलिमेंट होगा दैट वुड बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, यानी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप वुड बी मोस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एंड एज वी गो डाउन इट डिक्रीजेस, ठीक है, बट अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये बढ़ती है, ठीक है. तो जब बढ़ती है तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट में जो राइट साइड पे जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है दैट वुड बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ऑन द राइट मोस्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट इज फ्लोरिन. तो फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है जी. फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इसकी ईएन वैल्यू सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसकी होगी? हाँ जी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. फ्रांसियम, फ्रांसियम और सीजियम, ठीक है जी. फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, नॉर्मली इसको डिस्कस नहीं करते, बट यू कैन गिव बोथ आंसर, सीजियम और फ्रांसियम. तो ग्रुप वन का जो सबसे आप कह लें कि नीचे जो एलिमेंट है दैट वुड बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्रांसियम, सीजियम आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है. अब इसको हम एक दो देख लेते हैं ईएन वैल्यूज से, क्या हमारे पास डेटा सेक्शन में ईएन वैल्यूज गिवन है. तो अब अगर आप यहां से देखें तो क्लियरली आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा ईएन वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की, ठीक है. मतलब 4 मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है. अब ये बेसिकली रिलेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, रिलेटिव वैल्यूज हैं. आपने इनको एक दूसरे मतलब आपस में इनको बॉन्ड बना के फिर कंपेयर किया है कौन किससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. हम उस डिटेल में नहीं जा रहे किस तरह से ये वैल्यूज पॉलिंग ने डिटरमिन की, बट हम सिंपल ये ध्यान में रखेंगे दीज आर ऑल रिलेटिव वैल्यूज इन कंपैरिजन टू ईच अदर, ठीक है. ये रिलेटिव वैल्यू है. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद द ईएन वैल्यू 4.0. और इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो सबसे कम वैल्यू नजर आएगी वो किसकी है? पोटेशियम की है, 0.8. इससे नीचे इन्होंने दी नहीं है. तो खैर ये वैल्यू तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो पेपर के अंदर गिवन होगी. अच्छा, अब इन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि थ्रू विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज वी कैन डिटरमिन द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट वुड फॉर्म बिटवीन एनी टू एटम्स. किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा आप ये बता सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन एनी टू एटम्स इफ यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ठीक है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ ईएन वैल्यूज, बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है. सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ ईएन वैल्यूज, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वी कैन डिटरमिन द टाइप ऑफ बॉन्ड type of bond that will form between any two atoms. ठीक है, किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो, इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो तो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट, ठीक है. हमने कहा पढ़ा कि कोवेलेंट की दो टाइप्स हैं, तो अगर किसी भी दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है देन इट वुड बी नॉन पोलर कोवेलेंट, ठीक है. एंड इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो एंड इट इज लेस देन वन, ठीक है जी, लेस देन वन. अच्छा, अब इसमें डिफरेंट आपको वैल्यूज मिलेंगी, ये मतलब इस पर कोई फिक्स वो नहीं है कि इस वैल्यू के साथ चलना है. मोस्टली जो है वो हम ये कंसिडर करते हैं, हम वन से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है. नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 1.6 तक जो वैल्यूज है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन जीरो एंड इज अप टू 1.6, तो ये जो बॉन्ड्स होंगे दीज वुड बी पोलर कोवेलेंट. बट ये हम आगे चल के जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा, इसमें एक्सेप्शंस काफी हैं, ठीक है. तो इफ द डिफरेंस, बट अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ध्यान में रखें, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन जीरो एंड इज अप टू 1.6 देन इट वुड बी पोलर कोवेलेंट, मींस के आयनिक कोवेलेंट विद सम आयनिक करेक्टर. एंड इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं थोड़ा सा सेफ साइड पे रहता हूं, इज अबव टू,
तो ये जो 1.6 से 2 वाले जो एलिमेंट हैं, ये थोड़े से जरा कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको हम आगे चल के देखेंगे। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अबव 2, देन इट वुड बी आयोनिक। मतलब फिर ये इतनी ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके खींच लेगा, गेन कर लेगा और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये तीन सिनेरियोज हैं। आगे चल के हम इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम इसको यहां तक देखते हैं। यहां तक बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, तो ये हमने जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके ट्रेंड्स क्या हैं, और इसकी वैल्यू के बेस के ऊपर हम कैसे डिसाइड करेंगे, या इसकी वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है जी, अच्छा हमने मेनली अभी फिलहाल डिस्कस करना है कोवेलेंट बॉन्डिंग को। अब जरा आते हैं दोबारा वापस कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ और इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। अच्छा जी, अब देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग तो आप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट से कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, व्हेन टू एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लेट सपोज हम हाइड्रोजन की ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो हमें मालूम है कि जी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में है? 1s में है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इट इज प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 1s फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। ठीक है, तो अब बेसिकली जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, हम ये कहते हैं कि बेसिकली बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, और कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल विच आर हाफ फिल्ड। ठीक है, दोज ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल एंड दे हैव हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन और दे आर हाफ फिल्ड। मतलब जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो दूसरी टाइप की बॉन्डिंग है। बट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, इन कोवेलेंट बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ, या आप सिंपल इसको यूं कहें कि द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ, द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल विल बी इन्वॉल्व। यानी ये जो शेयरिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, ये किसके दरमियान होती है, बिटवीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान शेयरिंग हो रही होती है, दे आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग। तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन सा है, 1s, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज हमने कहा कि जी ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और ये दोनों 1s जो है ये क्या करके इन्होंने ओवरलैपिंग की है। ठीक है जी, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये किस तरह से होती है, बाय ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग अकर्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग अकर्स व्हेन दीज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। ठीक है, अपनी एनर्जी की वजह से ये मूव करेंगे, यानी आप कह लेंगे ये एक हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं, यानी ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन 1, ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप देखेंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग कैसे होती है, बाय ऑर्बिटल ओवरलैप, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और इस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होता है कि अब ये दोनों अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने आपसे शायद पहले भी डिस्कस किया था कि हम इलेक्ट्रॉन को बजाय एज अ पार्टिकल कंसिडर करने के, ठीक है, हम क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस हर मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ काफी लार्ज है, तो हम इलेक्ट्रॉन को बजाय एज अ पार्टिकल कंसिडर करने के इसको एज अ वेव कंसिडर करेंगे। तो हम कहेंगे जब ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो मोस्ट ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, वैसे तो आप इसको 1-1 इलेक्ट्रॉन से भी शो कर सकते,
बट मैं इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से शो कर रहा हूँ कि इन्होंने अपनी यानी ये जो ब्लू डॉटेड से हमने शो किया है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो शेयर कर लिया आपस में, एंड स्टिल सम ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आप नहीं बता सकते सर्टेनिटी के साथ, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 100% इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान है। स्टिल सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड नॉट बी प्रेजेंट इन दिस शेयर्ड रीजन, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन दिस शेयर्ड रीजन। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए, मैं जरा इसको एक दफा कंप्लीट कर दूं, फिर आपकी क्वेश्चन लेता हूँ, इसको भी जरा समझते रहे अच्छे तरीके से। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑब्वियसली चार्ज सेम है तो दे वुड रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे रिपल्शन भी है बट अट्रैक्शन भी मौजूद है। अब अट्रैक्शन क्या है, द अट्रैक्शन कॉज बाय द न्यूक्लियस ऑफ वन हाइड्रोजन फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ अदर हाइड्रोजन फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम सिंपल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन। प्रॉपर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स of two bonded atoms and shared pair of electron, shared pair of electron, this is covalent bonding, this is what you have to write। अगर पेपर में आपसे covalent bonding की डेफिनेशन पूछी जाए, although हम O levels में electrostatic attraction सिर्फ nucleus ionic bonding में बात करते थे, but यहाँ पे भी हम यही discuss करेंगे कि covalent bonding क्या है। It is the electrostatic attraction, इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर, समझ आ रही है। किसी को कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर? जी सर। अच्छा, अब देखें, ये जो हमने बात की कि जी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए, इस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद क्या होता है कि ये आप एक तरह से कह लें कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, दे बोथ गेट मर्ज्ड, ये मर्ज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और मर्जिंग के बाद हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये वन यूनिट बन जाता है, ठीक है। आफ्टर ऑर्बिटल ओवरलैप, दिस इज वन थ्योरी, ठीक है। मतलब आप कह लें कि ये बॉन्डिंग की डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिनमें से एक थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑल्दो हम इसको नाम से नहीं पढ़ते, बट यहाँ पे ए लेवल्स में आप उसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि वंस द ऑर्बिटल्स ओवरलैप दे गेट मर्ज्ड विद ईच अदर। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स, ठीक है। यानी होता क्या है कि आफ्टर दिस ओवरलैपिंग, ये दोनों मर्ज हो गए, ये वन यूनिट बन गया, और उसके बाद हम इसको एक, मतलब हम इसको वन यूनिट काउंट करते हैं, और सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये, यानी ये जो इनके दरमियान सेपरेशन है, ये खत्म हो जाएगी, एंड दिस दे बिकम वन यूनिट, ठीक है। ये दे बिकम वन यूनिट, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन दीज टू, यानी ये एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, ये दूसरा हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, और ये इस टाइप का आपके पास एक, आप कह लें कि ये मर्ज होने के बाद ये जो शेप सामने आती है, यानी इसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बन गया, दिस इज नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज ये हमारे पास एक न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और ये दूसरा हाइड्रोजन न्यूक्लियस है,
अब ये दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है कि इन विच टू न्यूक्लियाई और मोर देन अ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। तो इस वक्त जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको दो न्यूक्लियाई मिलकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन एटम में क्या है कि एक ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है, एंड दीज टू न्यूक्लियाई आर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रिप बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना मुश्किल हो गया, एंड दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो वंस दे गेट ओवरलैप, वंस दीज ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर, दे फॉर्म दिस, आप कह लेंगे वन यूनिट टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल है ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हुए, 1s ऑर्बिटल्स, और क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑल्दो ये टर्म हम इतनी यूज नहीं करते, बट इसको समझने के लिए आप ये टर्म यहाँ पे यूज करते। तो ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो जिसमें आपके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हो, और जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे इलेक्ट्रॉन्स पे ग्रिप उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूवमेंट उतनी मुश्किल होगी, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बेटा बात? समझ आ रही है। हाँ जी, सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, अब देखें ये तो हमने बात कर ली कि मतलब डायग्रामेटिकली मैंने आपको, अब जरा इसको हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, यही चीज हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से जरा डिस्कस करते हैं कि स्टेबिलिटी आती कैसे है। यानी लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास, पहले हम एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एनर्जी 10 किलो जूल्स पर मोल, और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये ग्राफ कोई बनाने को नहीं आता, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियाई। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जीरो एनर्जी है। ठीक है, इससे नीचे आएंगे तो एनर्जी नेगेटिव में होती रहेगी, कम होती जाएगी, इससे ऊपर जाएंगे तो ये एनर्जी पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी एनर्जी। ठीक है, अब लेट सपोज आपके पास ये दो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स हैं जो अभी बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, दीज आर टू आइसोलेटेड एटम्स, ये आइसोलेटेड एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं, लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अब मुझे इनका प्रोफाइल डायग्राम बनाना है व्हेन दे गेट बॉन्डेड टू ईच अदर। तो इसको हम सिंपली जो है वो एक ग्राफ से, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो प्रोफाइल डायग्राम है ये कुछ इस टाइप का बनेगा। अच्छा जी, तो सपोज ये हमने प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करी, अब जरा इसको आप समझें, यानी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? अच्छा जी, तो अब क्या है कि ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है कि व्हेन एटम्स आर बॉन्डिंग विद ईच अदर, जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे किस तरह से एनर्जी में चेंजेस आते हैं ये हम सिंपल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज के यहाँ पे इस वक्त ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये मैक्सिमम एनर्जी के ऊपर हैं, व्हेन दे आर नॉट बॉन्डेड टू इच अदर। ठीक है, जब इनका आपस में बॉन्ड नहीं है तो उस टाइम पे इनका जो एनर्जी लेवल है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमने ये दो हाइड्रोजन एटम्स शो कर दिए। अब जब ये बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे, व्हेन दीज टू हाइड्रोजन एटम्स मेक बॉन्ड विद ईच अदर, तो क्या होगा कि दे वुड मूव क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, एंड ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी दे वुड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। और जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे अट्रैक्शन बढ़ेंगी, तो अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से एनर्जी कम होना शुरू होगी। ठीक है, तो ये आप एनर्जी स्केल पे नीचे आना शुरू हो रहे, एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, और लेट सपोज के एट दिस पॉइंट, सपोज के इस पॉइंट पे हम ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज वेयर दीज टू हाइड्रोजन एटम्स दे वुड बी इन दिस फॉर्म। लेट से मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये आप कह लें कि ऑलमोस्ट दे आर नाउ टचिंग ईच अदर, दीज टू हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो बट स्टिल
मतलब आप इनकी एनर्जी को लो कर सकते हैं अभी मजीद अट्रैक्शंस की वजह से, दे कैन मूव इवन क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे ये आप कह लें कि अपनी लोएस्ट एप पे आ गए हैं, मतलब ये आप कह लें कि जितनी एनर्जी, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है, वाई डू एटम्स मेक बॉन्ड विद ईच अदर टू रिलीज देयर एनर्जी, टू लोअर देयर एनर्जी लेवल, ताकि ये ज्यादा स्टेबल हो सके। तो हम कहते हैं कि दिस इज वेयर दीज टू हाइड्रोजन एटम्स दे कैन बी एट देयर लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, मतलब जितना ये क्लोज आ, जितनी ओवरलैपिंग हो सकेगी। सपोज यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ गए कि नाउ दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ये शेयर्ड रीजन डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये लोएस्ट पॉसिबल, अब अगर इससे ज्यादा ये क्लोज आते हैं, सपोज अगर ये इससे ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करते हैं, आप पहले अट्रैक्शन की वजह से या अपनी एनर्जी की वजह से, इफ दे मूव इवन क्लोजर टू ईच अदर, तो फिर क्या होगा, फिर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर बजाय कम होने के एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? कि न्यूक्लियस ज्यादा क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, और जितना न्यूक्लियस क्लोज आएंगे रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बॉन्ड क्या है, वेयर रिपल्शन आर मिनिमम अट्रैक्शन आर मैक्सिमम, ठीक है। केमिकल बॉन्ड क्या है, सिंपल याद रखिएगा कि दिस इज द पॉइंट वेयर रिपल्शन आर मिनिमम एंड अट्रैक्शन मैक्सिमम, यानी जहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए, इस पॉइंट पे, यहाँ पे अट्रैक्शन थी बट मैक्सिमम नहीं थी, स्टिल मजीद अट्रैक्शन डेवलप हो सकती थी, एंड दिस इज द स्पॉट वेयर अट्रैक्शन आर मैक्सिमम। इससे ज्यादा क्लोज लाएंगे, सपोज आपने कहा कि जी एट दिस पॉइंट इफ दे ट्राई टू मूव इवन क्लोजर टू ईच अदर, तो एट दिस पॉइंट इनका जो एनर्जी, जो आप कह लें कि जो अरेंजमेंट होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा कि दे आर नाउ ओवरलैपिंग इवन मोर, और जब इतनी ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो रिपल्शन बढ़ जाएगी, यानी इस पॉइंट पे इनकी रिपल्शन बढ़ गई। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, कौन सा, एट दिस पॉइंट दे आर स्लाइटली ओवरलैपिंग, यानी अभी ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई है, स्लाइटली ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अट्रैक्शंस डेवलप हो रही हैं, अट्रैक्शंस टू इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी अभी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्शंस मिल रही हैं, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर पार्शियल ओवरलैप, ये क्या है, मतलब जितनी ये जो कम जिस पॉइंट पे बॉन्ड बनता है, इसको हम पार्शियल ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। और इस वक्त ये आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में आ गया, दिस इज मैक्सिमम स्टेबल। इससे ऊपर जाएंगे, इससे और ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर रिपल्शन बढ़ेगी, एंड दिस इज वेयर लार्ज ओवरलैप, और लार्ज ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगी, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। तो ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम से बॉन्ड फॉर्मेशन को समझने की कोशिश की है कि बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज सिंपली लोअरिंग डाउन ऑफ एनर्जी। तो एटम्स तब तक क्लोज आते हैं जब तक के एनर्जी रिलीज हो रही हो, अट्रैक्शंस डेवलप हो रही, इससे ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करेंगे, पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, उससे ज्यादा ओवरलैपिंग की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्शंस के बजाय रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो लाइफ चार्जेस है, न्यूक्लियाई जो है, वो क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका मैक्सिमम, आप कह लेंगे दिस इज द आइडियल स्टेट। बहुत कम एटम्स होते हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस आइडियल स्टेट तक आते हैं, मतलब ये अनरियलिस्टिक है, बट मतलब ये है कि इतना क्लोज, ये हम कहते हैं कि दिस इज वेयर दे आर मैक्सिमम स्टेबल। तो मैक्सिमम स्टेबल मतलब 100% स्टेबल तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, आप कहीं ना कहीं उसको ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये वो स्टेट होती है जो बहुत रेयरली जो है वो आप कह लें कि ये अचीव हो सकती है। खैर, आपने सिर्फ डायग्राम को समझना है, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, ये कहलाती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। समझ आइए बेटा बात यहाँ से कुछ? जी सर। ये सिर्फ इसलिए ड्रॉप ये पेपर में ऐसे जी बनाने को नहीं आती, बट इससे ये कि आपका बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, और ओवरलैपिंग का क्या मतलब, आप कह लें कि उससे क्या रिजल्ट सामने आ रहा होता है। हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है सबको। अच्छा जी, चलें, ये तो हमने बात कर ली कोवेलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा हम, ये जो ओवरलैपिंग की हमने बात की है, बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नाम से नहीं बट कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, ये भी दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल
ओवरलैप, ठीक है, दो किस्म के ऑर्बिटल ओवरलैप हैं, एंड मतलब आप कहेंगे बेस्ड ऑन दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स वुड फॉर्म, दो डिफरेंट किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप different type of overlap to different bonds will form. ठीक है, तो पहला जो टाइप ऑफ बॉन्ड है बेस्ड ऑन ओवरलैप, इसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, दिस इज द साइन फॉर सिग्मा बॉन्ड. एंड सिग्मा बॉन्ड बेसिकली क्या है कि व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप फेस टू फेस और हेड टू हेड विद ईच अदर, व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप फेस टू फेस और आप कह लें या फिर हेड टू हेड, then the type of bond form is called sigma bond. ठीक है जी, हम कह रहे हैं कि जब भी दो एटम्स ओवरलैप करेंगे तो उनके ऑर्बिटल, यानी जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, और ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप है ये दो टाइप का है, ठीक है, जिसमें पहली टाइप क्या है फेस टू फेस या हेड टू हेड ओवरलैप. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं उसको अभी हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में मुझे पता है कि हाइड्रोजन एटम हैज दिस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1, तो ये एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, तो ये जब s ऑर्बिटल्स जब भी ओवरलैप करेंगे ये हेड टू हेड ही करेंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है तो ये जब भी टकराएंगे ये हेड टू हेड ही टकराएंगे, तो सपोज ये एक हाइड्रोजन s ऑर्बिटल, ये दूसरा s ऑर्बिटल, ये हेड टू हेड कोलिजन हुई है, ठीक है, दे वुड कोलाइड हेड टू हेड, दे ओवरलैप हेड टू हेड, ठीक है, ये जो कोलिजन है ओवरलैप है, दिस इज हेड टू हेड ओवरलैप, तो इस हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में ये जो बॉन्ड बना है वी कॉल दिस बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. हम कहेंगे कि जब भी दो s ऑर्बिटल्स, व्हेनेवर टू s ऑर्बिटल्स कंबाइन विद ईच अदर, व्हेनेवर टू s ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, और इस ऑर्बिटल ओवरलैप के बाद अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिंपली आप ऐसे भी कि ओवरलैपिंग के बाद सिंपल क्या हुआ कि वो जो मतलब आप कह लें कि ये मर्ज हो गए आपस में और जो इनके दरमियान सेपरेशन थी वो खत्म हो गई, तो हम सिंपल इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं. ठीक है जी, ये ऐसे ही बना लो. ठीक है जी, तो ये आपके पास दोनों ऑर्बिटल्स जो ये दोनों ऑर्बिटल्स, लेट्स से ये एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइड्रोजन ऑर्बिटल, और आफ्टर शेयरिंग इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये इन दोनों के, मतलब आप कह लेंगे इन्होंने शेयर कर लिया आपस में, ये इनका इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये एक वन यूनिट टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया जिसमें दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, तो आप एस सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और सिग्मा बॉन्ड को नॉर्मली MS में आपको इस तरह से ड्रॉ किया हुआ मिलेगा कि whenever two s orbitals merge with each other, we get this type of orbital. ठीक है, ये orbital बन जाएगा merging के बाद, ये shape कुछ इस type की हो जाएगी. तो sigma bond क्या है? When two orbitals overlap head to head और face to face. जब ये head to head टकराएं या face to face टकराएं एक ही बात है, तो ये जो bond बनेगा इसको हम sigma bond का नाम देते हैं, और s overlap जब भी होगा sigma bond ही बनेगा. समझ आ रही बेटा मेरी बात? जी सर. ठीक है, अच्छा, ऐसे ही सपोज HF की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड. ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो कौन से होंगे. जी बताएंगे आप मुझे किन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग होगी? S और P. S और P, कैसे पता लगा आपको? सर फ्लोरीन
पी ब्लॉक में आता है और हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आता है। जी बिल्कुल सही है, हम इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, तो इसका जो वैलेंस शेल का अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 1s, और फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2, 2s2, 2p, 5। ठीक है, तो हम p के तीनों ऑर्बिटल्स को अलग ड्रॉ कर लेते हैं, px, 2py और 2pz। और px, py, pz में हमें पता है इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल ही आते हैं, तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका मतलब पी जेड ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड है, तो दिस ऑर्बिटल वुड बी इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपने लिए आसान कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है पी जेड की, पी वाई की और पी एक्स की एनर्जी सेम है, ठीक है, और पी एक्स जो है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो हम कहते हैं कि पहले बॉन्ड एक्स पी एक्स ही बनाएगा, कैसे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, आसान लफ्जों में, ये आपको इतना समझा मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने हर दफा एज्यूम कर लेना है कि पी एक्स ही हमेशा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसके लिए एस के साथ कंबाइन होना आसान होगा, तो हम अच्छा ये लिखने की भी जरूरत नहीं है मोस्टली, क्योंकि बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है कि जी पी जेड है तो हम इसको एक्स एक्सिस पे क्यों बना रहे हैं, इसलिए सिर्फ थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि बॉन्ड पी एक्स ही बनाएगा, चाहे पी एक्स बनाए, पी वाई बनाए, पी जेड बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो तीनों की एनर्जी लेवल सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो सपोज ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये इनके दरमियान ओवरलैप हो गया, तो दिस इज एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, तो इनके दरमियान भी जो ओवरलैप हो रहा है वो कौन सा ओवरलैप है, सिग्मा है जी, फिर सिग्मा ओवरलैप है, हाँ सिग्मा ओवरलैप है, यानी इसको चले मैं जरा अलग अलग करके एक दफा बना देता हूँ, यानी हम सिंपल ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है जिसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है, ठीक है, दिस इज पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो जब ये टकराएंगे तो इनके दरमियान जो कोलिशन होगा वो क्या है, हेड ऑन कोलिशन है, ये दोनों फेस टू फेस टकराएंगे, तो जब फेस टू फेस टकराएंगे, आसान लफ्जों में आप ये ध्यान में रखें कि किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है, पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड, when two atoms are making bond with each other and if the bond is single covalent bond, agar bond single covalent bond hai then it will always be a sigma bond, pehla kisi bhi do atoms ke darmiyan banne wala pehla bond hamesha head on collision se banta hai, head to head collision se banta hai, theek hai, dusra type to bhi padha nahi hai humne, lekin pehla bond hamesha sigma bond, hamesha single covalent bond jo hai wo sigma bond hi hoga, to jab ye dono aapas mein takrayenge to ye kuch is type ka aap keh le ke collision hoga ki ye hydrogen ka s और ये फ्लोरीन का पी, ये हेड ऑन कोलिजन करेंगे, ठीक है जी, और इस कोलिजन के नतीजे में ये शेयर्ड रीजन बन जाएगा, ये हाइड्रोजन का एस और ये पी, एंड दिस इज अगेन हेड ऑन कोलिजन, फेस टू फेस कोलिजन है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा अगेन दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, हाँ जी बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, सर आपने अभी जो बात की वो प्लीज रिपीट कीजिएगा कि वन जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है, यानी मैं ये कह रहा हूँ किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड होगा, सपोज मैं आपसे कहूँ कि जी वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है, अब ये दोनों बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो अब मैं पूछूं आपसे कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा है या नहीं है, तो 100% सिग्मा है, ठीक है, पहला बॉन्ड हमेशा 100% क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है किसी भी दो एटम्स में, CH4 में चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे ही कोई भी NH3 में तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है किसी भी दो एटम्स के दरमियान, अगर यानी सिंपल आप ये कह लें कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, ये हमेशा हेड ऑन कोलिजन, पहला बॉन्ड हमेशा फेस टू फेस ओवरलैपिंग से बनता है, क्लियर है बेटा, जी सर, हाँ जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है।